वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज अपने पास लेनोवो का आइडिया पैड 320/15 IKB का बोर्ड है और इसमें आज आपको सिर्फ ये समझाना है कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है और चार्जिंग आईसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। तो देखेंगे जैसे कि आप यहाँ पे सिस्टमैटिक खोला है और सिस्टमैटिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग कनेक्टर के पास लेके जाता हूँ जहाँ पे हमारा डीसी इन होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डीसी जैक लगा हुआ है और इसका जो नंबरिंग है JDC IN1 है और आप देखेंगे इसके पिन नंबर 1 सप्लाई की है जो कि अडाप्टर की है और पिन नंबर 2, 3, 4 जो भी है वो हमारी ग्राउंड की पिन है, देख सकते हैं। और इसके ट्रैक में हमारा सीरीज में एक फ्यूज लगा हुआ है जो प्रोटेक्शन के लिए है, ओवर वोल्ट आने पर ये ओपन हो जाता है जिससे हमारी चार्जिंग नहीं होगी। आप देखेंगे फ्यूज के बाद हमारे पैलर में 2 कैपेसिटर लगे हैं, ये भी प्रोटेक्शन में लगाए गए हैं कैपेसिटर। और उसके बाद आप देखेंगे सीरीज में 2 कॉइल लगाई गई हैं और ये भी ओपन होने पर चार्जिंग नहीं होंगी। और उसके बाद आउटपुट में 2 फिर से पैलर में कैपेसिटर लगाए गए हैं और सप्लाई का नाम बन गया VIN। तो आप देखेंगे VIN के बाद ये सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी की तरफ जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारी VIN आई और यहाँ पे 2 MOSFET लगे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी वीडियो में आप लैपटॉप के अंदर जब अडैप्टर लगता है तो 2 MOSFET का यूज किया जाता है, वो चाहे NPN हो या PNP हो। और आप यहाँ पे देखेंगे आप दोनों N चैनल MOSFET है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखेंगे सोर्स टू ड्रेन डायोड की पोजीशन है और यहाँ पे जो उसका नंबर है आप देखेंगे 64/14 करके है और लास्ट का जो नंबर है वो 4 है, सम नंबर है। और आप देखेंगे ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट और दोनों ही मॉस्फेट एन चैनल हैं और इनकी जो लोकेशन है मदरबोर्ड पर वो है PQ311, PQ312। और आप देखेंगे सबसे पहला मॉस्फेट ही मतलब रिवर्स बायस में लगा हुआ है तो यहाँ से हमारी वोल्टेज आगे नहीं जाएगी जब तक इस मॉस्फेट का गेट खुलेगा नहीं। और दूसरा मॉस्फेट देखेंगे यहाँ पे सोर्स टू ड्रेन की तरफ, यानी कि ये तो हमारा मूव हो जाएगी लेकिन ये जब तक ये सप्लाई यहाँ से पास नहीं होगी तब तक हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होगा या फिर हमारे लैपटॉप में चार्जिंग की प्रॉब्लम रहेगी। तो आप देखेंगे ये VIN यहाँ पे नोट करें और ये सप्लाई यहीं पे होल्ड हो गई ये एन चैनल मॉस्फेट के ड्रेन पे। और आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी चार्जिंग आईसी लगी है, इस चार्जिंग आईसी का जो लोकेशन है मदरबोर्ड पे वो है आपका PU301। और आप देखेंगे ये BQ की आईसी है, BQ24780S करके है इस आईसी का नंबर। और जितनी भी BQ सीरीज की आईसी होती हैं उसकी लास्ट पिन हमारी VCC यानी कि सप्लाई की पिन होती है। और आप देखेंगे पिन नंबर 28 पे VIN सप्लाई एक डायोड 3 lakh डायोड के थ्रू आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 3 lakh डायोड लगा हुआ है इसमें पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 हमारी इनपुट की है और पिन नंबर 1 हमारी आउटपुट की है। जहाँ पे आप देखेंगे VIN हमारा आ रहा है पिन नंबर 2 पे, VBAT आ रहा है पिन नंबर 3 पे। तो आप देखेंगे जब हम बैटरी का यूज करते हैं तो ये बैटरी की सप्लाई इस डायोड से फॉरवर्ड बायस होकर चार्जिंग आईसी की पिन नंबर 28 पे जाएगी, लेकिन जैसे ही हम अडैप्टर को प्लग करते हैं तो बैटरी की सप्लाई हमारे पास होती है 10 से 11 वोल्ट के आसपास जबकि अडैप्टर की वोल्टेज होती है हमारे पास 18 से 18.5 वोल्ट। तो जो बड़ी वोल्टेज होगी वो ही वोल्टेज पिन नंबर 1 पे आएगी। तो देखेंगे जब अडैप्टर प्लग करेंगे तो 18 वोल्ट हमारी इन हो जाएगी और बैटरी की सप्लाई हमारी एनोड पे रुक जाएगी जबकि कैथोड पे 18 वोल्ट आ जाएगा। जैसे कि समझिए आपकी यहाँ पे ये हमारी मारुति कार यहाँ से अंदर घुसी और यहाँ से जैसे ही आप अडैप्टर लगाएंगे ट्रक आ गया और जैसे ही यहाँ पे ट्रक आएगा तो इसके कैथोड पे ट्रक खड़ा हो गया तो एनोड से हमारी ये सप्लाई अंदर नहीं जा पाएगी जब तक यहाँ पे ट्रक खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ट्रक है तो ये रिवर्स बायस में तो जाएगा नहीं, बस ये यहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे ही अडैप्टर निकाल देंगे तो बैटरी की सप्लाई हमारी पिन नंबर 28 पे आ जाएगी और जैसे ही हम अडैप्टर लगाएंगे तो VIN वाली सप्लाई यहाँ से पिन नंबर 28 पे आएगी और बैटरी की सप्लाई के इसके कैथोड पे ही रोक देगी। अगर हमारा ये डायोड खराब हो जाए तो समझिए आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा या चार्जिंग से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें मेजर करके दिखाऊंगा, जैसे ही हमारी पिन नंबर 28 पे बैटरी की वोल्टेज या अडैप्टर की वोल्टेज आएगी तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर लगाया गया है जो कि पिन नंबर 6 पे AC डिटेक्ट है। आप देखेंगे पिन नंबर 6 पे AC डिटेक्ट में एक वोल्टेज डिवाइडर का कॉन्सेप्ट लगाया है और यहाँ पे आप देखेंगे अडैप्टर की वोल्टेज 18 वोल्ट जा रही है। और आप देखेंगे यहाँ पे R1 रजिस्टर है जो कि 43 किलो ओम का है और R2 हमारा 7.15 किलो ओम का रजिस्टर है। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा R1 और R2 का मिक्सअप, ये यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर काम करेगा और यहाँ से ये R2 हमारा ग्राउंड है। तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे DC पावर सप्लाई पे हमने वोल्टेज जो दी है वो 20 वोल्ट है और अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि R2 पे कितनी वोल्टेज आएगी। प्ले स्टोर से वोल्टेज डिवाइडर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप भी इसको मेजर कर पाएंगे। यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज दे दी है, इनपुट वोल्टेज मैंने 20.0
81 दी है और R1 का जो हमारा वैल्यू है वो है 43 किलो ओम और R2 जो दे रखा है मैंने 7.15 है इसकी वैल्यू। और जब मैं कैलकुलेट बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 2.9 वोल्ट हमको दिख रहा है। तो अभी मैं आपको पिन नंबर 6 पे 2.9 वोल्ट भी चेक करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देखेंगे पिन नंबर 24 पे रीजन वोल्ट बन रहा है जो कि 6 वोल्ट के आसपास आएगा। और लैपटॉप के अंदर सबसे पहली LDO वोल्टेज हमारी ये पिन नंबर 24 पे ही निकलता है चार्जिंग IC से। तो आपको मैं प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पे ये हमारा लैपटॉप का मदरबोर्ड है और यहाँ पे ये हमारा बैटरी का कनेक्टर लगा हुआ है। और बैटरी की अगर वोल्टेज आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 10.8 वोल्टेज है जबकि यहाँ पे अडैप्टर का कनेक्टर है और अडैप्टर कनेक्टर पे हमें 18 वोल्ट लगेगी। तो मैं यहाँ पे भी अडैप्टर की वोल्टेज लगा लेता हूँ और अडैप्टर की वोल्टेज लगाने के बाद मैं सबसे पहले आपको DC वोल्ट चेक कराऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं यहाँ पे DC जैक पे लगाता हूँ तो देखेंगे 18 वोल्ट मिल रहा है। और चार्जिंग IC आप देखेंगे यहाँ पे हमारी चार्जिंग IC लगी है BQ की 24780 लगी हुई है। और आप देखेंगे यहाँ पे 3 लाख का हमारा डायोड लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये डायोड लगा हुआ है और डायोड का जो लोकेशन है मदरबोर्ड पे वो है PD302 लगा हुआ है। आप देखेंगे इसकी पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, एक पे बैटरी सप्लाई एक पे अडैप्टर सप्लाई। तो चेक करते हैं हम, देखेंगे यहाँ पे हमारी 7 वोल्ट आ रहा है जो कि हमारी बैटरी की वोल्टेज है। इस समय हमारी आपको दिखा दूं ये बैटरी कनेक्टर है और यहाँ पे आप देखेंगे जो बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 7.3 आ रहा है और वही वोल्टेज हमारे इस डायोड की पिन नंबर 3 पे आ रहा है। और अभी मैं पिन नंबर 2 पे लगाऊं तो आप देखेंगे 20 वोल्ट आ रहा है जो कि अडैप्टर की वोल्टेज है। और इससे मैं अडैप्टर प्लग है तो आप देखेंगे आउटपुट यानी कि पिन नंबर 1 पे 20 वोल्ट आ रहा है। अगर मैं अडैप्टर हटा दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी बैटरी की सप्लाई इन हो गई। और जैसे ही अडैप्टर लगाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी सप्लाई अडैप्टर लगाते हैं हमको 20 वोल्ट आ गए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें अडैप्टर मोड में पूरा 18.51 वोल्ट मिल रहा है। और इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा ये चार्जिंग IC की पिन नंबर 24 पे जो रीजन वोल्टेज है वो हमें 6 पॉइंट के आसपास मिलती है। तो अब हम देखेंगे जो इसकी पिन नंबर 24 है, जैसी इसकी पिन नंबर 28 पे VCC सप्लाई मिलेगी चार्जिंग IC को तो पिन नंबर 24 पे रीजन वोल्ट बनाएगी। तो आप देखेंगे पिन नंबर 24 पे हमको 6 वोल्ट मिल रहा है जो कि रीजन वोल्ट है। आप देखेंगे रीजन वोल्ट पे पिन नंबर 24 पे हमें 6 वोल्ट मिल रहा है। और चार्जिंग IC को दिखाएं आप जूम करके, तो देखेंगे यहाँ पे हमें 6 वोल्ट मिल रहा है रीजन पे। ये आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 7 पिन है, यहाँ से लेके 7 पिन है और यहाँ से यहाँ 7 पिन, तो 21, 22, 23 और 24 नंबर की पिन ये वाले कैपेसिटर पे आ रही है। तो देखेंगे आप 6 वोल्ट हमें रीजन वोल्ट मिल रही है। तो जैसे ये 6 वोल्ट रीजन वोल्ट मिलेगी तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है पिन नंबर 6 पे। आप देखेंगे पिन नंबर 6 पे जो मैंने उस समय कैलकुलेट करके दिखाई थी 2.9 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का कॉन्सेप्ट लगा है और पिन नंबर 6 देखेंगे पिन नंबर 6 पे हमें 2.6 वोल्ट करीब मिल रहा है जो मैंने वोल्टेज डिवाइडर के उस समय आपको दिखाया था कैलकुलेट करके। और मैं चाहूंगा जूम करके दिखाएं आप, यहाँ पे देखेंगे दो रजिस्टर लगे हैं R1 R2 और एक कैपेसिटर लगा है इनको फिल्टर करने के लिए। तो आप देखेंगे मैंने इस समय कैपेसिटर पे रखा हुआ है और यहाँ पे आप ये देखेंगे R1 रजिस्टर है और R1 के टॉप पे जब ये रखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 18 वोल्ट मिल रही है। तो देखेंगे R1 रजिस्टर पे 18 वोल्ट हमें मिल रही है और R1 के टॉप पे हमें 18 वोल्ट मिल रही है और R2 और R1 के बीच में हमें जो है 2.5 वोल्ट करीब 2.6 वोल्ट मिल रही है। और जूम करके दिखाएं आप पूरा दिखाएं, तो देखेंगे यहाँ पे जो दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये R1 रजिस्टर है जिसका एक पोल 18 वोल्ट पे टच है और दूसरा पोल ग्राउंड है आप देखेंगे। और इन दोनों की जो मिक्सअप है, इनके मिक्सअप पे हमें वोल्टेज डिवाइडर वाली वोल्टेज मिल रही है और इसके ट्रैक में एक कैपेसिटर लगा है और ये पिन नंबर 6 पे हमारी जाएगी जो कि AC डिटेक्ट के नाम से बनेगी। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पिन नंबर 4 पे हमें कितनी वोल्ट मिलेगी, क्योंकि N चैनल के MOSFET लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे गेट को ड्राइव करने के लिए हमें ज्यादा वोल्ट चाहिए। तो आप देखेंगे 24 वोल्ट जनरेट हो रही है पिन नंबर 4 पे, AC ड्राइव 24 वोल्ट बन रही है आप देख सकते हैं। और यही 24 वोल्ट देखिए हमारा जो अडैप्टर है वो 18 वोल्ट का है जबकि इस चार्जिंग IC से जो गेट N चैनल के MOSFET के गेट खुलने के लिए 24 वोल्ट, यानी कि कम से कम 4 वोल्ट ज़्यादा बननी चाहिए जो कि बन रही है।
तो इस तरीके से आपने देखा चार्जिंग आईसी का कॉन्सेप्ट, और आपने यहाँ पे ये भी देखा कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है। तो देखेंगे यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर चार्जिंग का प्रॉब्लम है, और आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सबसे पहले तो आप देखें बैटरी क्रॉस में आ रही है यहाँ पे, और जब मैं इसके बैटरी वाले साइन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 225% दिखा रहा है, और 225% अवेलेबल और प्लग इन दिखा रहा है, और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो आप देखेंगे 100% दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा रहा है प्लग इन बैटरी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे 255% बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, और इसमें जो प्रॉब्लम है एक्चुअली में बैटरी का ही है। और अभी मैं इसमें अडाप्टर को हटा लेता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं 255 दिखा रहा है, और जैसे ही मैं अडाप्टर यहाँ से अनप्लग करता हूँ तो देखेंगे लैपटॉप भी मेरा बंद हो गया है। और अब मैं आपको इसमें चार्जिंग आईसी को कैसे रिप्लेस करना है उसके बारे में दिखाऊंगा। और तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं चार्जर को प्लग कर देता हूँ यहाँ पे, और ये हमारी चार्जिंग की कॉइल लगी है, और अभी मैं आपको 150 की बैटरी, पहले बैटरी की वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 वोल्ट मेजर हो रहा है, हमें 7 वोल्ट आ रहा है, देखेंगे यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है, और जो लाइन है ये है हमारी वोल्टेज वाली, और आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी कॉइल लगी है चार्जिंग वाली कॉइल लगी है। अगर मैं इसके इस एंड पे चेक कर देता हूँ तो हमें आप देखेंगे केवल बैटरी वाली वोल्टेज मिल रही है, यहाँ पे हमें स्विचिंग वोल्ट मिलनी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा चार्जिंग चल रही है। तो अब मैं यहाँ पे इस चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग आईसी लगी है इसको मैं रिप्लेस करूंगा, और यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और बैटरी भी रिमूव कर लेता हूँ, और आप देखेंगे चार्जिंग आईसी को कैसे रिमूव करना है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, और यहाँ पे जो नई आईसी है उसको लगाएंगे। तो आप देखेंगे इस आईसी को निकालने के लिए हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं यहाँ पे, और अब आप देखेंगे इसमें हल्का सा मैंने पेस्ट लगा दिया है, और इस आईसी को मैं रिमूव करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ से मैं केबल को रिमूव कर लेता हूँ, और साथ के साथ इसके नीचे मेटल के एक प्लेट डाल देता हूँ ताकि ये हीट ना हो। आप देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि जो मेरी नीचे प्लास्टिक है वो मेल्ट ना हो। और अब आप देखेंगे यहाँ से मैं आईसी को रिमूव करूंगा। BQ24780S करके है आईसी। जब आप हीट मारें तो हल्का हल्का राउंड राउंड ले लें इसे, और बीच में एक बार हल्का सा पुश करके देखें, अगर आईसी निकल गई है तो हिलेगी। राउंड राउंड घुमाना है आपने, देखेंगे आईसी मेरी मेल्ट हो गई है, और मैं पिक कर लेता हूँ, और ये मैंने आईसी रिमूव कर ली है। और अभी यहाँ पे हम नई आईसी को लगाएंगे, पैड मेरे क्लीन है, और आपको मैं दिखाऊँ आईसी। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास BQ24780S करके आईसी है, और अगर आपको स्पेयर चाहिए तो हमारे पास से आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से आईसी अवेलेबल कराएंगे, या जो भी स्पेयर चाहिए तो कुरियर के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नई आईसी है इसको कैसे लगाना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इस तरीके से आएगी आईसी, ये देखेंगे हमारी नई आईसी है, और इसको मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा इसको देखेंगे हम। तो बैक एंड पे थोड़ा सा पेस्ट लगा के हम इसमें क्या करेंगे, आयरन से पहले इसमें सोल्ड कर लेंगे, तभी जाके हम पैड पे बैठाएंगे, और एक बार आयरन को हम इसमें घुमा देंगे ताकि हम जब आईसी को बैठाएं तो वो फटाफट फिक्स हो जाए। तो हम क्या करेंगे इस तरीके से आयरन से इस आईसी पे हम हल्का सा पहले सोल्डर लगा लेंगे चिमटी। तो आप देखेंगे यहाँ पे आईसी को मैं पहले सोल्डर कर ले रहा हूँ, तो इस तरीके से इसके कोनों पे आपने एक बार आयरन को फेर देना है। तो इससे क्या होगा, जब हम SMD की मदद से आयरन को SMD की मदद से आईसी को लगाएंगे तो एक बार में फिक्स हो जाएगी हमारी आईसी। चारों तरफ से आपने इस तरीके से एक बार सोल्ड कर देना है। और जितना भी एक्स्ट्रा सोल्डर है उसको हम निकाल लेंगे बाहर। छोटी है हमारी
जितना भी एक्स्ट्रा सोल्डर है उसको निकाल लेंगे यहाँ से। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आईसी को लगा लेता हूँ, इसके गाइड पॉइंट को देखेंगे सबसे पहले। और अब मैं यहाँ पे आईसी को लगा लूंगा, थोड़ा पेस्ट ले लेते हैं और मशीन को यहाँ पे आप देखेंगे आईसी कैसे लगाएंगे यहाँ पे। देखेंगे आईसी मैंने यहाँ पे रख दी है और थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये अपनी जगह पे अपने आप फिक्स हो जाएगी। थोड़ा जूम कर दिखाना, आपने अच्छे से हीट करनी है। राउंड राउंड आपने घुमाना है जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और आईसी अपनी जगह फिक्स ना हो जाए। इसके बाद हल्का हल्का आप पुश करके देखेंगे, देखेंगे आईसी को मैं हिला रहा हूँ बाल बराबर तो अपनी जगह पर अपने आप आ रही। देखने भी ये देखें तो इसका मतलब है आईसी बैठ गई अपनी जगह पे। तो हम इसकी क्लीनिंग करके देखेंगे और आईसी को देखेंगे कैसी लगी है। बिल्कुल आईसी बिल्कुल फिक्स लगी है और क्लीनिंग करके दिखाता हूँ अभी आपको। तो आप देखेंगे इसके अब हम क्लीनिंग कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आईसी कैसे फिक्स हुई है। देखेंगे यहाँ पे हमने इसको साफ कर लिया है और अभी एक बार देखेंगे कि आईसी कैसी लगी है। बिल्कुल आईसी अपनी जगह फिक्स लगी है और अभी अच्छे से क्लीन करके दिखाता हूँ आपको और देखेंगे इसमें आईसी कैसी लगी है। यहाँ पे आप देखेंगे लोकेशन जो आईसी की है PU301 है और मैं आपको आईसी को दिखाऊँ कि किस तरीके से फिक्स हुई है। देखेंगे बिल्कुल पॉइंट अपने पॉइंट पे बैठे हैं। थोड़ा अच्छे से दिखाऊँ आप देखेंगे आईसी कितनी अच्छे से फिक्स हुई है हमारी, चारों कोने देखे हम। तो इस तरीके से आपने भी प्रैक्टिस करनी है। और अब इसकी जो प्रॉब्लम थी उसको हम चेक करेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम ओके हुई। देखेंगे आईसी कैसे लगी है। बिल्कुल पॉइंट पे बैठी है। तो आप देखेंगे जो हमारी आईसी थी पुरानी वाली ये रही और इसको हमने रिप्लेस किया है। उसके बाद देखिए क्या हमारी प्रॉब्लम सही हुई। तो देखेंगे इसमें बैटरी प्लग कर लेते हैं हम और बैटरी प्लग करने के बाद अडैप्टर भी प्लग करते हैं इसमें। अब इसको हम ऑन करके देखेंगे। देखेंगे लैपटॉप हमारा ऑन हो गया है। तो देखेंगे हमारा सिस्टम ऑन हो गया है और अब हम देखेंगे कि हमारी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई कि नहीं हुई। तो देखेंगे अभी हमारा सिस्टम दूसरे पेज में आ रहा है। तो आप देखेंगे जो हमने चार्जिंग आईसी रिप्लेस करा है और उसके बाद हमारा जो चार्जिंग का इश्यू था वो ओके हो गया है।
ये हम चेक करेंगे अभी। दिखा भी रहा है तो देखेंगे, हमारा सिस्टम ऑन हो गया है और इसमें मैं पासवर्ड डालूंगा। तो देखेंगे हमारा पासवर्ड अब हमारा खुल गया है। इसको कुछ नहीं पता उसके बारे में, हमारे पास आ रहा है। तो देखेंगे हमारा सिस्टम ऑन हो गया है और चार्जिंग का जो प्रॉब्लम था, आप देखेंगे पहले यहाँ पे क्रॉस का साइन आ रहा था और अब ये 100% हमें चार्जिंग में दिखा रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें प्लग इन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी चेक करूंगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें हम आपको चार्जिंग सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।